बजरंग बली को हम नए नीति से अवसर बोलते हैं। कहीं भी अगर कोई झमेला है, जमीन में कब्जा करना है, रातों रात उसको खड़ा कर दो, तो भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी होते हैं। हमारा भाषण को गलत तरीके से हमने प्रस्तुत किया है। हमने कभी नहीं बोला बजरंग बली को हटाने के लिए। अब झारखंड की सियासत में भी बजरंग बली की एंट्री हो गई है। उदयनिधि स्टालिन के बाद अब झारखंड के नेता ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। इटिया गठबंधन में शामिल झारखंड के पूर्व मंत्री और जेएमएम के कद्दावर नेता हेमलाल मुर्मू के बजरंग बली को लेकर दिए गए एक बयान पर सियासत गर्मा गई। हेमलाल मुर्मू ने कहा था कि भाजपा के लोग जमीन कब्जे के लिए बजरंग बली का इस्तेमाल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के रूप में करते हैं। जहां भी जमीन कब्जानी हो, वहां रातों रात लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के रूप में बजरंग बली को खड़ा कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, हेमलाल मुर्मू ने बजरंग बली के खिलाफ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। हेमलाल मुर्मू का यह बयान गोंडा जिले से आया है, जहां के बीआरओ जोर में वो झामुमो कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। साहिबगंज जिले के राजमहल अनुमंडल के तालझारी अंचल में 300 एकड़ जमीन पर रातों रात रिफ्यूजियों को बंदोबस्त कर दिया गया। इस दौरान उस जमीन पर लैंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को खड़ा कर दिया गया। फिर उन्होंने आगे कहा कि ये पदाधिकारी कौन है जान रहे हैं ना, बजरंग बली। परसों को गए थे तालझारी में, गजब हालत है। 300 एकड़ जमीन आदिवासी का चपाल मोजा में कहां से रिफ्यूजी को ला करके बंदोबस्त कर दिया, बताइए। कोई देखने वाला नहीं। परसों को हम गए, एसडीओ को बुलाए, राजमहल एसडीओ को, और सीओ के ऑफिस में हम लोग मीटिंग किए। सब आदिवासी लोग आया था वहां पर। क्या किया है ये लोग का बुद्धि, ये लोग रातों रात लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को खड़ा कर दिया, समझे आप लोग, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। अरे बजरंग बली को हम लैंड एक्विजिशन ऑफिसर बोलते हैं। कहीं भी अगर कोई झमेला है, जमीन में कब्जा करना है, रातों रात उसको खड़ा कर दो, तो भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी हो गया। हम डीसी को वहां से फोन किए कि 2 दिन के अंदर उस ऑफिसर को वहां से गायब करिए, हटाइए, और नहीं तो इतना बड़ा इधर से आदिवासी को तैयार कर देंगे, इतना तीर चलेगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि आगे से चल रहा है कि पीछे से चल रहा है। तो कल तक हटाने का बात किया है, बोला एसडीओ को बोले आप उठा करके ले जाइए, और नहीं तो आप अपना कार्यालय में ले जाइए राजमहल, आप खूब पूजा करिए, वो बलराम भगवान को जितना खिलाना है खिलाइए आप। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद हेमलाल मुर्मू ने बजरंग बली पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। बुआरी जोर के कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारा भाषण को गलत तरीके से ने प्रस्तुत किया है। हमने कभी नहीं बोला कि बजरंग बली को हटाने के लिए हुजूम, संथालों का हुजूम जाएगा तीर धनुष लेकर के और उसे हटा देगा, ऐसा कोई शब्द मेरे मुंह से नहीं निकला है। और ये इसको मैनिपुलेट करके मीडिया वाला इसको छापा है, जो मेरे बयान के खिलाफ है। वहीं हेमलाल मुर्मू के बयान पर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के दलों की सनातन धर्म को लेकर घिनौनी सोच सामने आ रही है। जेएमएम नेता हेमलाल मुर्मू ने बजरंग बली को अवैध जमीन पर कब्जा करने का जरिया बताया है। यही नहीं, उन्होंने बजरंग बली के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। यह सनातनियों के लिए अपमान की बात है। बजरंग बली आदिवासियों के भी देवता है, इसीलिए उन्होंने आदिवासी समाज का भी अपमान किया है। ऐसे में हेमलाल के बयान के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, जैसे जैसे समय बीत रहा है, इंडी गठबंधन के घटक दलों का सनातन धर्म के प्रति जहरीला सोच सामने आता दिख रहा है। अब नवीनतम घटनाक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय नेता पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने बजरंग बली के बारे में घोर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया
और उन्हें अवैध जमीन पर कब्जा करने का एक जरिया बताया और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। हम मानते हैं ये एक एक सनातनी के लिए अपमान की बात है और झारखंड में ये आराध्य देव है भगवान महावीर हनुमान जी, वो एक एक आदिवासी के घर में होते हैं, ये पूरे आदिवासी समाज का भी घोर अपमान है और अविलंब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन बार बार इंडी गठबंधन के लोग हिंदी देवी देवताओं के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करके अपनी जहरीली सोच को सामने ला रहे हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू के बचाव करते हुए कहा, उनके कहने का अर्थ समझिए, कुछ लोग खासकर बीजेपी से जुड़े लोग आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से वहां बजरंग बली समेत अन्य देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित कर कब्जा कर ले रहे हैं, यह गलत है। कर्नाटक में बजरंग बली के नाम का दुरुपयोग करना भाजपा को किस कदर महंगा पड़ा यह सब ने देखा है। जो लोग ये बोल रहे हैं उनसे पूछिए कि जब संजय निषाद ने हमारे आराध्य देव श्री राम प्रभु के बारे में अनर्गल बातें की थी, अमर्यादित बातें की थी, भाजपा नेता है ना उत्तर प्रदेश के, नरेश अग्रवाल ने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया था, जीतन राम मांझी लगातार सनातन विरोधी बातें करते हैं, आज हेमलाल बाबू ने जो बोला है उसको समझने की आवश्यकता है। चंद वैसे लोग जो मुझे लगता है ज़्यादा भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, वो जमीन कब्जा करने की खातिर हमारे देवता के साथ का गलत व्यवहार करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। किसी खाली जमीन पर रातों रात जाके एक मूर्ति स्थापित कर देना, कई एक ऐसी घटनाएं हम लोग भी देखते हैं। अरे विधि विधान से पूजा होती है, प्राण प्रतिष्ठा होता है, बजरंग बली को मजाक नहीं बनाएं। इन लोगों ने बजरंग बली का सहारा लिया था, नाम लिया था, कर्नाटक में क्या हासिल हुआ? यहाँ भी बजरंग बली के साथ मजाक न करें, वो हमारे देवता हैं, हमारे आराध्य देव हैं, उनकी गदा की मार कर्नाटक में याद होगा, यहाँ थोड़ा बच के रहें, संभल के रहें, यही सुझाव। वहीं झारखंड की सत्ता में सहयोगी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि हेमलाल मुर्मू के बयान को समाज में विरोध पैदा करने वाला बताया गया है। उन्होंने इस तरीके के बयानबाजी करने से सामाजिक जीवन जीने वाले लोगों को परहेज करने की बात कही है। जब सार्वजनिक जीवन हम जीते हैं तो इस तरह के बयानों से स्वाभाविक तौर पर बचना चाहिए। इस तरह का बयान दे करके समाज में एक नफरत पैदा करना यह ठीक नहीं है, क्योंकि बजरंगबली लाखों करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों के आस्था के प्रतीक हैं। तो इस तरह का बयान स्वाभाविक तौर पे जब सार्वजनिक जीवन हम जीते हैं तो इस तरह के बयानों से हमें परहेज करना चाहिए, ताकि समाज में किसी प्रकार का कोई गलत संदेश ना जाए। तो ये एक बहुत बड़ा विषय हो सकता है, लेकिन हमें यह लगता है कि अब इस विषय पे ज़्यादा राजनीति भी ठीक नहीं है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद हेमलाल मुर्मू ने बजरंग बली पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरे भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने इसे सनातन का अपमान बताया है।